दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मकबरा दिखाने के लिए लेकर आ गया हूँ जिसके बारे में कई तरह की मान्यता है, यानी कि उसके बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एक शैतान रहता है, भूत रहता है, लेकिन सच्चाई उसके कुछ हटके है। ये मकबरा बादशाह अकबर के एक सेनापति का मकबरा है दोस्तों, और इस मकबरे के अंदर जो कब्रें बनी हुई थी उनको अंग्रेज़ों ने उखाड़ कर फेंक दिया, और साथ ही साथ इस मकबरे को उन्होंने अपनी छुट्टियों के लिए यहाँ पर इसके चारों तरफ एक बहुत खूबसूरत सा बाग बनाया, दिलकुश बाग। तो दोस्तों सामने आप एक मकबरा देख सकते हो, उस मकबरे के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये छोटा सा एक और मकबरा देखो जिसके अंदर आप देखोगे तो कोई भी कब्र मौजूद नहीं है। और इस मकबरे के पीछे एक और मकबरा है जो कि लोधी कालीन मकबरा है, उस मकबरे की भी काफ़ी ख़राब कंडीशन है। इनके पीछे आप ना जाएं, मैं आपको ये राय दूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कपल्स बैठे होते हैं, तो यहाँ पर आप ना जाएं। चलो मैं आपको इस मकबरे के अंदर लेके चलता हूँ, और इस मकबरे के अंदर भी कोई कब्र मौजूद नहीं है। इस मकबरे की कब्र को उखाड़ कर फेंक दिया, बाकी यहाँ पर जितने भी मकबरे थे उन सबकी कब्रों को उखाड़ कर फेंक दिया, और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बनाया अपना एक दिलखुश बाग। ये देखो, ये मकबरा कुली खान का मकबरा है, बादशाह अकबर के एक सेनापति का, महामंगा के बेटे का। ये देखो, इसके बीच में कोई भी कब्र मौजूद नहीं है। अंदर से तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन किसी ज़माने में ये खंडर पड़ा हुआ था बिल्कुल, यहाँ की कोई रिपेयरिंग नहीं हुई थी। ये वाली जो लोकेशन है आपने कई बार वीडियो में देखी होगी, ये देखो, तो ये वाली जो लोकेशन है आपने कई बार वीडियो में देखी होगी, काफ़ी वायरल हुआ था ये। ये सामने जो आप देख रहे हो ये एक होटल है, रेस्टोरेंट है ये, और यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक घूमने के लिए यहाँ पर आती है। और ये देखो कितनी ऊंचाई पर है, और यहाँ पर इस अंग्रेज़ ने बनाया था दिलखुश गार्डन। ये देखो, एक बीच में नहर खुदी हुई है, और सामने जो आप ये देख रहे हो ना, ये भी एक मकबरा है, वहाँ पर हम चलते हैं, काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ है। ये देखो, और यहाँ तो अब यहाँ का खाना वाना कैसा है इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता कि यहाँ पर खाना वाना कैसा मिलता है, लेकिन हाँ यहाँ पर भीड़ बहुत आती है। ये देखो, ये भी एक मकबरा है बना हुआ, इसके अंदर लेके चलूँगा। ये देखो कितनी ऊंचाई पे ये मकबरा बना हुआ है, और इसके अंदर की भी कब्रें उखाड़ कर अंग्रेज़ ने जो है फेंकवा दी थी। और ये वाला जो मकबरा है ये लोधी कालीन मकबरा है, इसके अंदर की भी कब्रें उखाड़ कर जो है ना फेंकवा दी थी अंग्रेज़ ने। ये देखो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, चलो इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर अभी लोग देखो इसके ऊपर से बहुत लोग गुजरते हैं, तो यहाँ बीच सेंटर से ही लोग जो भी गुजरेगा तो इधर से तो गुजरेगा, और यहीं पर देखो वो कब्र हुआ करती थी, लेकिन अभी कोई यहाँ पर कब्र नहीं है। तो ये लोधी कालीन मकबरा है, और इसके सामने आप देखोगे तो यहाँ पर ये है लोकेशन, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो यहाँ पर एंट्री फ्री थी, लेकिन अभी जो है ना यहाँ का 30 रुपये का टिकट है। आप इस साइड से एंट्री करोगे तो सामने देखो यहाँ पर टिकट घर है, तो यहाँ से जो है 30 रुपये का टिकट लेके आप आ सकते हो। बाकी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ यहाँ पर लोगों ने जो है ना दीवारों पे कैसी कैसी पेंटिंगें बना रखी हैं और नाम लिख रखे हैं। ये देखो, हर जगह दीवारों पर जो है ना इन्होंने पेंटिंगें और बना रखी हैं और नाम लिख रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको कुली खान की जो है ना कब्र दिखाता हूँ, ओरिजिनल वाली। ये कुली खान की जो असली कब्र है वो अंदर तहखाने में है, बाकी ऊपर जो कब्र थी कुली खान की वो तो
अंग्रेज़ों ने उखाड़ कर फेंक दी। आप यहाँ बोर्ड पढ़ सकते हो। तो जब आप मकबरे के ऊपर आओगे तो मकबरे के राइट साइड में आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक तहखाना बना हुआ है और इसी तहखाने के अंदर मौजूद है कुली खान की असली कब्र। बस यहीं से जो है ना जीना जाता है नीचे की ओर। ये देखो यहाँ से हम जाएंगे। देखो ये है वो तहखाना जिसके अंदर असली कब्र है कुली खान की। इस तहखाने के अंदर कुली खान की असली कब्र है। अब दोस्तों बात करूं यहाँ के टिकट की, तो यहाँ की पहले तो एंट्री बिल्कुल फ्री थी, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में आ सकते थे। लेकिन अभी जब से यहाँ की रिपेयरिंग की है और बहुत यहाँ पर जो है ना इन्होंने खूबसूरत सा बना दिया है, तो जब से इन्होंने यहाँ का टिकट 30 रुपये का कर दिया है। पहले आप यहाँ पर फ्री में आ सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर अब जब आप आओगे तो 30 रुपये में आओगे। तो मकबरे के आसपास में काफ़ी यहाँ पर खंडरात मौजूद हैं और कुली खान के मकबरे के पास में ही आप देखोगे तो सामने यहाँ से कुतुब मीनार दिखता है। ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूरी पे ही कुतुब मीनार है। चलो मैं आपको उस सामने जो खंडर है ना उस खंडर के पास में लेके चलता हूँ। यहाँ से रास्ता है उधर जाने का, वैसे तो उस साइड से रास्ता है लेकिन मैं शॉर्टकट लूँगा, इधर से करीब पड़ेगा। बाकी इन झाड़ियों के पीछे जाना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर यार बहुत सारे कपल्स आते हैं ना, तो इसलिए जाना तो चाहिए नहीं, लेकिन इस खंडर के अंदर मुझे देख के तो आना ही पड़ेगा ना कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। बहुत सारे खंडर बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ देखो कितनी गहरी खाई है। इस खंडर के अंदर जाने का रास्ता इस साइड से है, बाकी यहाँ तो काफ़ी लंबी लंबी घास है। चलो इधर से चलते हैं। इसके अंदर तो बहुत लंबी लंबी घास है, बहुत बड़ी बड़ी घास है इसके अंदर। ये पुराने ज़माने के हो सकता है घर हों, पुराने ज़माने के लोगों के। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, बहुत लंबी लंबी घास है। इधर से देखते हैं, इधर से रास्ता मिल जाए तो। नहीं, इस साइड से कोई रास्ता नहीं है। ये कोई किला जैसा लग रहा है मुझे, छोटा मोटा, जैसे कोई छोटा मोटा इन्होंने घर सा बनाया है। देखो इधर कोई बुर्ज टाइप का लग रहा है ये, है ना। ये देखो अब दोस्तों काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश पड़ चुकी है। मैं भी आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। तो खैर दोस्तों मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। अच्छा, ये वाला जो मकबरा है, इस मकबरे के सामने जो ये छोटा सा मकबरा है, ये लोधीकालीन मकबरा है और इसके अंदर देखो लोगों ने कैसे कैसे अंदर जो है ना पेंटिंग बनाई है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। बाकी जो है ना देखो यहाँ पर जो है ना कब्र हुआ करती थी, लेकिन अभी तो कब्र यहाँ पर नहीं है, उखाड़ दी थी अंग्रेज़ों ने, मुझे तो पता है, तो इसलिए मैं साइड से होकर निकलूँगा। बाकी यहाँ से बहुत लोग गुजरते हैं, जो भी आता है वो इधर ही से गुज़र के जाता है। देखो यहाँ पर कैसी कैसी इन लोगों ने पेंटिंग बनाई हुई है। चारों तरफ अगर आप देखोगे तो इसी तरीके की यहाँ पर जो है ना पेंटिंगें देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देखो इसके अंदर Thank you.